subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई मलाड में पालक मंत्री असलम शेख ने नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 33 के नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी के प्रयत्नों से ये पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। हमने वीरेंद्र चौधरी से बात की, देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट में। छोटा मोटा जो गली है, हम लोग ने 24 का लाइन डाला, 18 का लाइन डाला, 12 का डाला, तो कैसा है, तो ये बड़े लाइन को डायरेक्ट टैप में मार सकते हैं, तो पूरा बिछा चुका है। अभी हम लोग ने 150 का डाल रहे, 300 का डाल रहे, सब लाइन का 250 का डाल रहे, 4 इंच का डाल रहे, तो जो गली बची थी 3000 मीटर पाइपलाइन अभी आज मुहूर्त हो गए। अभी ये 1-1.5 महीने के अंदर शुरुआत हो जाएगी, और जो बड़ी लाइन का जो काम तो अभी ऑलमोस्ट मतलब 1-2% बचा हुआ है, पूरा हो जाएगा। उसके बाद बीएमसी फ्लशिंग करेगी और लोगों को ये महीने के ये साल के आखिरी तक लोगों के घर घर में पानी हो जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ के जो रोड की हालत बहुत खस्ता है। अभी आप आए हो मेरे यहाँ से घूमते, मैंने यहाँ के 4 रोड किए, जो साबरिया मस्जिद का रोड आप देखे वो सीसी रोड कर दिया, ये 16 फुट का रोड इतना हालत खराब थी, लोग चल नहीं पाते थे, वो मैंने गए साल में सीसी रोड किया। गांव देवी का मंदिर सीसी रोड कर दिया, ये पूरे रोड में आप 4 रोड जो है वो सीसी रोड कर दिया। अभी जो बचे कुचे रोड है वो भी हमारे मतलब ये साल खत्म होने के बाद नया साल में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। ये रोड बनने में आप काफी कर 4 साल आपने लेट क्यों कर रहे हैं? 4 साल अब तक नहीं हुए, 4th साल अभी शुरुआत हो गई। पूरे 8 महीने कोरोना के अंदर चले गए, बच्चे कितने 2.5 साल, तो आप कैसा मतलब हर चीज के लिए एक वक्त रहता है। ये अपना पूरा वार्ड है ना एनडी जोन में बसा हुआ है, तो आप आज तक ये वार्ड है ना स्लम नहीं था, तो मैं 8 दिन से इसका सर्वे कर रहा हूँ। हमारे मंत्री असलम शेख जी के आशीर्वाद से जो ये वार्ड अभी स्लम होने जा रहा है, तो जैसे स्लम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को हर सुविधा का सुविधा मिल जाएगी। जैसे अभी हर गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है तो स्ट्रीट लाइट हो जाएगी, हर गली में जो मेरा फंड कितना आता है जो पुराने पड़ता है तो स्लम का फंड अलग आता है, तो मेरे को बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो स्लम जैसे डिक्लेयर हो जाएगा तो हमको अलग से फंड आ जाएगा, हर गली में काम हो जाएगा, हर गली में स्ट्रीट लाइट हो जाएगी। जैसे कि आज हमारे मिनिस्टर साहब आए थे तो उनसे डिस्कस हुआ, हमने आपके अपने अगले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो गरीबों को दिया जा रहा है 10,000 रुपए का कर्ज, जो एकदम गरीब है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ था आपका? नहीं, अभी तक वो चर्चा में है, महाराष्ट्र सरकार जो चर्चा में जैसे हो जाएगा वो लोग पूरी तरह मदद करने को तैयार है, जैसे उसका ये फॉलोअप हो जाएगा तो जो गरीब लोग को मिलना चाहे वो 100% मिलेगा। यहाँ आपके एरिया में जो एनजीओ आपके पास हेल्प के लिए आती है, हाँ, कई एनजीओ का कहना है कि आप समय पे नहीं मिलते या उनकी हेल्प नहीं होती है, उसको अभी तक वो हेल्प आई नहीं तो कहाँ से मिलेगी? जैसे कि महिलाओं के लिए बचत गढ़ जो स्टार्ट होता है, हाँ, तो आप कितने लोगों को इस तरह से हेल्प कर रहे हैं? हमारी 2 लोगों से ऐसी मुलाकात हुई, उन्होंने आपका नेगेटिव मतलब दिया, हाँ, तो हमारे क्वेश्चन था कि उनके सवाल आपके सामने कर दिया जाए, हाँ, ताकि आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से ही बता दें कि उनको कोई तकलीफ ना हो। जो बचत गट जो करना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम होगा बचत गट में खर्चा आता है बनाने के लिए, तो 5-6 हजार खर्चा आता है, जो हमारे मंत्री असलम शेख जी अपने खर्चे से अपना आदमी देके वो लोग का बचत गट बनाते हैं। तो हम चाहते हमारे चैनल का आप इसका अनाउंसमेंट करते, जो लोग करना चाहते हैं आपसे मुलाकात, हाँ, मेरे पास आओ, मैं आपको बिल्कुल मुफ्त बचत गट तैयार करके दे दूंगा, और उसके बाद मेरे से जो मदद मांगता है, जो अभी आपको मालूम है जिसने जिन्होंने बनाया उन लोग को दत्तक वस्ती भी मैंने करा के दी दिया, वो लोग अपना दत्तक वस्ती चला रहे, वो लोग जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा इन्हें जैसे जिसको यही उंगली करने का है तो कुछ भी बोलेगा, तो मेरे पास जितने आएंगे मैं आपको बस जितने जो मेरे पास आया उनको मैं बचत गट बना के दिया, बिल्कुल फ्री बना के दिया। वीरेंद्र जी, हम जैसे कि मीडिया इस टाइम लेट हो चुकी है और हमारा सवाल जो था वो असलम शेख जी से था, लेकिन आप असलम शेख जी के बहुत खास हैं और बहुत ही खास नगर सेवक माने जाते हैं असलम शेख जी के, तो आपसे सवाल कर लेते कि जैसे यहाँ पर 12वीं करने के बाद जो हमारे बच्चे हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है, आपको पता है यहाँ पर जो लोग क्लास के लोग रहते हैं, और 12वीं करने के बाद यहाँ पर डिग्री कॉलेज आसपास क्यों नहीं है, तो इसकी क्या खास वजह है? जो कि देखो, एक पहली बात बोले आप खास है, तो हम लोग असलम भाई का पूरा मलाड विधानसभा उनके लिए खास है, अगर वो किसी को चाहते हैं तो दिलो जान से चाहते हैं, उनको सब चाहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 2014 में बीजेपी की लहर थी
तो बड़ी मार्जिन में जीत के आ गए। अभी 2019 में आपको मालूम नहीं पूरे देश के मंत्रीगण आए थे उनको हराने के लिए, उसके अंदर भी उन्होंने पूरी तरह सामने वाले को पछाड़ डाला। तो उनको वो क्या सबको चाहते हैं करके उनको पूरा मलाड विधानसभा चाहते हैं। दूसरी बात बोल के आपको 12वीं का देखो, हमारा उनका एक खुद का एक कॉलेज है, हाँ, तो उधर वो एडमिशन कर रहे हैं, बराबर है। किसी को भी अगर आप उनके पास जाओ तो वो लोग एडमिशन 12th के बाद एडमिशन का वो करते, उनके पास जाएगा वो कभी रिटर्न खाली हाथ नहीं आएगा। डिग्री कॉलेज अभी तो अपने यहाँ अभी पूरी तरह अभी डेवलप एरिया नहीं है डिग्री कॉलेज का। अभी हमारे मंत्री महोदय असलम सिंह से इसकी चर्चा करेंगे, अगर जो जो कमी आए वो कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। और असलम सिंह जी ने वादा करा था जो कि मॉर्निंग में आने के लिए कई रास्तों का इंतजाम हो जाएगा, तो वो वादा कब तक पूरा होगा? बिल्कुल काम चालू है। अब बीच में हम लोग ने मीटिंग लिए थे, पेपर में आ गया था जो डायरेक्ट जो लिंक रोड से डायरेक्ट फ्लाईओवर जा रहा है 8 नंबर से जा रहा है, तो वादा जल्द से जल्द पूरा। कोरोना की वजह से जो काम लेट हुआ अभी वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। आगे आपके वार्ड में आपके लिए आपको क्या मतलब, किस तरीके से प्रोसीजर करते हैं, किस तरह लोगों की सुविधा के लिए क्या आगे क्या? जैसा पहले से कर रहा हूँ वैसा ही करते रहूंगा, उसके अंदर कोई दुविधा नहीं। थैंक यू सर।